आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और आज सोमवार का दिन, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है। देखेंगे कि कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है सोमवार के दिन, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती नजर आ रही है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे कैसा सीड से, तो देख रहे हैं कि कैसा सीड का जनवरी पैदा 5916 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, आधे फीसदी की गिरावट है। रूपा जी देख रहे हैं कैसा सीड आज भी एक रेंज में देखने को मिल रहा है, 6000 के नीचे ही बना हुआ है, 5900 पर आधे फीसदी की गिरावट है। खबर निकल के सामने आई है कि जो एक्सपोर्ट है कैसा सीड का, उसमें गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से कैसे की कीमतों में एक नरमी देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है कैसा सीड आज इंट्राडे में किन लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ सकता है? 5860 से लेकर 5860 से लेकर ऊपर में 5960 की फिलहाल रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है और इसके चलते मुझे लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन में मार्केट जा सकता है। फर्स्ट हाफ में 5820 से लेकर 5860 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं जी। ये सर रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का जनवरी वायदा देख रहे हैं कि 2925 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और 2960 का ही लगा चुका है, 1.25% की तेजी है। रूपा जी देख रहे हैं कि बिनौला खल 2900 ऊपर के सस्टेन हो गया है, हमने देखा था कि बीते कारोबारी सप्ताह 2900 का लेवल टच किया था, आज सस्टेनेबिलिटी देख रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या कुछ ट्रेडिंग सेशन में इस कारोबारी सप्ताह 3000 के भी पार बिनौला खल की कीमतें देखने को मिल पाएंगी? देखिए एक्सपेक्टेड तो है कि इस हफ्ता में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बिनौला खल लगातार तेजी की तरफ पर, आप कॉटन देखिए, कॉटन भी 33,000 के पास पहुंच चुकी है वायदा के अंदर, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम बना रह सकता है और स्टिल जो कॉटन ऑयल सीड केक है वो 3000 के स्तर इस हफ्ता देखने को मिल सकते हैं जी। ये सर भाई बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि धनिया 8594 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, धीरे धीरे धनिया की जो कीमतें हैं वो ड्रॉप होती नजर आ रही हैं। इसे जीरा भी देख रहे हैं कि जीरा भी ड्रॉप हुआ है, 16140 पर ट्रेड कर रहा है, 16200 का लेवल जीरे ने भी तोड़ दिया है और हल्दी में भी देख रहे हैं कि करेक्शन मोड देखने को मिल रहा है। रूपा जी ऐसे में आपको क्या लगता है क्या मसालों की नए साल पे जब एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होगी तब जाके क्या कुछ मसालों में हल्की फुल्की तेजी बनती नजर आ सकती है? देखिए मसालों में भी अभी फिलहाल देखिए मिला जुला रुझान है क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड्स काफी हैम्पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ओमिक्रॉन बढ़ता है तो सभी कमोडिटीज के एक्सपोर्ट के ऊपर असर आता हुआ दिखाई दे सकता है और अभी जहां तक जीरे की बात है, जीरा देखिए 16000 के ऊपर सस्टेन है तो काफी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लग रहा है, थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है नीचे में 15800 के आसपास, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 15800 से लेकर 16400 से 500 की रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर धनिया की बात करें तो धनिया भी 8500 से लेकर ऊपर में जो है 8800 तक की एक अपसाइड मोमेंटम पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत करेक्शन है मार्केट के अंदर तो एक्सपेक्ट करके चलिए 8500 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ धनिया में भी दिखाई दे सकता है। वहीं अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी भी 9000 से लेकर 8800 नीचे में है और ऊपर में 9200 के ऊपर निकलती है तो 9500 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो अभी एक्सपोर्ट डिमांड्स थोड़े से गिरते हुए दिखाई दिए जिसकी वजह से प्रेशर बन रहा है और डोमेस्टिक मार्केट में मांग अच्छी है, मुझे लगता है कि आगे चलकर मसालों के अंदर एक तेजी का रुख बन सकता है जी। ये सर रूपा जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं आज कुछ नरमी के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है, ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ग्वार गम का जनवरी वायदा 10900 पर है, 1.25% की गिरावट। ग्वार सीड का जनवरी वायदा 6072 पर है, 0.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ। रूपा जी देख रहे हैं कि ग्वार गम में लेवल्स टूटते नजर आए हैं लेकिन इतने भी नहीं टूटे हैं कि बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिले, आपको क्या लगता है यहां से अभी कुछ और गिरावट बनेगी या फिर इन लेवल से ही खरीदारी देखने को मिलेगी? देखिए जहां तक ग्वार की बात है, ग्वार में अभी ट्रेंड जो है वो नेगेटिव बनता हुआ दिखाई दिया है क्योंकि क्रूड में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आई है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ग्वार के अंदर एक बार अपसाइड मोमेंटम निचले स्तरों से वापस से लौट सकता है। देखिए जो जिस तरीके से क्रूड के ऊपर इंपैक्ट आता है वैसे ही अभी ग्वार फिलहाल रिएक्ट करते हुए मार्केट में दिखाई दे रही है, लेकिन डिमांड निकल रही है ऐसी बात नहीं है कि फिजिकल मार्केट में देखें तो लोग अभी भी खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन बाइंग जो है वापस से बनती हुई दिखाई दे सकती है और एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। करेक्शन के बाद अगेन लेवल जो है अपसाइड के बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, अभी ग्वार ने अपना हाई नहीं टच किया है तो अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर करेक्शन आती भी है तो आपको नीचे में हो सकता है कि 10000 के आसपास बाजार जाते हुए दिखाई दे जी। ये शर्मा जी बात करें अगर सोयाबीन की,
तो सोयाबीन में हमने देखा था कि हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन काफ़ी शानदार तेजी बनती नजर आई थी। सोयाबीन 6300 के ऊपर ट्रेड करती नजर आई थी, 6300 के पार जाती नजर आई थी, अच्छी खासी रैली निकल के सामने आई थी। लेकिन आज देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, 3% की गिरावट सोयाबीन की कीमतों में बनती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या एक बार फिर से 6300 या उसके पार की कीमतें देखने को मिलेंगी या फिर यहाँ से सोयाबीन में अभी करेक्शन बनती नजर आएगी? देखिए अभी फिलहाल रेंज है सोयाबीन के अंदर भी, सोयाबीन भी एक सीमित दायरे में फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। देखा जाए तो फिजिकल मार्केट की अगर बात करें तो फार्मर्स तो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि सोयाबीन तेजी में ही निकालेंगे, फिलहाल पोजीशनें अपनी होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए ट्रेडर्स की एक्टिविटी को अगर समझा जाए तो ट्रेडर्स जो है वो निचले, जैसे ही सोयाबीन की करेक्शन आती है, निचले स्तरों पर खरीदारी करते हैं और ऊपरी स्तरों पर माल निकालते हुए दिखाई देते हैं। 400 से 500 रुपए की तेजी में फिलहाल बाजार घूमता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी भी फिलहाल यही रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। नीचे में 6000 के आसपास एक बार सोयाबीन की थोक लेते हुए दिखाई दे सकती है। इसे रूपा जी बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में भी हम देख रहे हैं कि जो घरेलू डिमांड है वो भी ठीक ठाक है और जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो भी ठीक ठाक देखने को मिल रही है। हालांकि अभी बीच में जब ओमिक्रॉन के केसेस ज़्यादा बढ़ गए थे तब ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि मार्केट में जो गारमेंट्स सेक्टर की तरफ से जो डिमांड है कॉटन की वो थोड़ी कम देखने को मिल सकती है, क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस ज़्यादा बढ़ने से लॉकडाउन वाली आशंका है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं लॉकडाउन वाली स्थिति तो ऐसी कुछ बनती नज़र नहीं आ रही है, हालांकि केसेस में धीरे धीरे इजाफा हो रहा है, तो ऐसे में आगे की कॉटन की कीमतें क्या बनी रहेंगी? देखिए कॉटन की बात करें तो अभी फिलहाल कॉटन में इजाफा ही है और अभी कीमतों को ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि लेवल जो है अगर 33,000 के ऊपर निकलते हैं तो एक अच्छी रैली में जाता हुआ बाजार फिलहाल दिखाई दे सकता है। अभी देखा जाए तो बाजार पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि अभी 10 से 15 दिन मार्केट में और एक तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी ये सर पर बात करें अगर मेंथा की, तो मेंथा में आपको क्या लगता है? देखिए मेंथा में अभी गिरावट का ही दौर दिखाई देता है, मुझे बहुत ज्यादा तेजी नहीं लगती है, छुटमुट बाइंग आ सकती है लेकिन बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम फिलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है। जी ये से रूपा जी बात करें अगर सरसों की, तो सरसों में भी हमने देखा है कि इस बार काफी अच्छी बुवाई हुई है, क्योंकि इस बार किसानों को 2021 में सरसों की काफी शानदार कीमतें मिलती नजर आई थी। MSP से 2 गुना से भी अधिक सरसों ने किसानों को मुनाफा दिया है इस बार। आपको क्या लगता है, क्या जिन किसानों के पास अभी सरसों है उनको भी बिकवाली कर देनी चाहिए अपनी सरसों की? देखिए बिल्कुल मेरे हिसाब से अभी सरसों को होल्ड नहीं करना चाहिए, अभी ऊपरी स्तरों पर एक बार एग्जिट का ही पोजीशन लेना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर अराइवल प्रेशर के चलते कीमतों पर एक दबाव आ सकता है। तो फिलहाल के लिए अगर अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं और आपको प्रॉफिट आ रहा है तो डेफिनेटली इसको निकाल देना चाहिए। जी रूपा जी कुछ दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ जिनका सवाल लगातार आ रहा है, गिरधारी जी हैं जिनका सवाल मूंगफली को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं आगे मूंगफली में तेजी आएगी या नहीं, अभी क्या करके चलना सही रहेगा, रोक कर या बेच के? मूंगफली में छुटमुट खरीदारी लुटती हुई दिखाई दे सकती है, थोड़ा सा बाजार ऊपर जा सकता है लेकिन बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, अभी थोड़ा सा 10 से 15 दिन आप वेट कर लीजिए, अगर वो अपसाइड बाउंस आता है तो वहां पर धीरे धीरे लिक्विडेट करें। जी रूपा जी कुछ दर्शक जुड़े हैं जिनका सवाल लगातार ग्वार को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ग्वार में अभी भी निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है, क्या इन लेवल्स पर खरीदारी करके चला जा सकता है, जैसा आज हम देख रहे हैं कि ग्वार का मुगवा सीड में निचले स्तर पर थोड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है, तो क्या इन लेवल्स पर ग्वार में आगे तेजी के लिए खरीदारी करना सही रहेगा? देखिए ये लेवल बाइंग के लिए सही नहीं है, देखिए यहाँ से अगर बाजार गिरता है तो वापस से उतनी करेक्शन आप मान के चलिए जैसे हमने पीछे देखी थी 10,000 के नीचे मार्केट गया था 9500-9800 के आसपास, तो वहां तक एक बार करेक्शन आ सकती है, वो लेवल हो सकते हैं आपके लिए बाइंग के लिए। यहाँ पर बाइंग करेंगे तो थोड़ा स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा आएगा, तो मेरे हिसाब से इन लेवल्स पर बाइंग ना करें, छुटपुट खरीदारी आप कर सकते हैं करेक्शन के अंदर। ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो फिलहाल पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रूपा जी दर्शक जुड़े हुए हैं धीरज जी जिनका सवाल लगातार अरहर दाल के बारे में आ रहा है। रूपा जी हम देख रहे हैं कि चाहे अरहर हो, चना हो, मसूर हो, कोई सी भी दाल हो, सारी की सारी MSP के नीचे ही बनी हुई है, इंपोर्ट भी हुआ होता हुआ देख रहे हैं और सरकार अभी भी बातचीत भी कर रही है। दूसरा सरकारों ने जो इतने फैसले लगाए हैं जैसे दालों की स्टॉक लिमिट वगैरह और वायदा में चना मूंग को बैन कर देना, ऐसे में आपको क्या लगता है कि आगे जाके दालों का बाजार कुछ उठता नजर आएगा या फिर ऐसी गिरावट के साथ कारोबार करता रहेगा?
देखिए दालों में फिलहाल गिरावट का ही रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, फिलहाल पॉजिटिव नहीं है मार्केट और मुझे लगता है कि अभी दालों के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई नहीं देगी, इसलिए दालों के अंदर स्ट्रोक करने में मुनाफा नहीं है और अभी जिनके पास रखा भी है तो वो उसको धीरे धीरे लिक्विडेट करें और अगर ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट बढ़ता है तो आगे चल के और बाजारों के ऊपर थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आज देखने को मिल सकती है, इसीलिए मान के चलिए कि दालों में तेजी फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है जी। यहीं से रूपा जी दर्शक जुड़े हुए सादिक मोमिन जी जिनका सवाल रिफाइंड सोया तेल और सीपीओ को लेकर आ रहा है। रूपा जी देख रहे हैं कि रिफाइंड सोया तेल वायदा में बैन होने के बावजूद क्लोजिंग ठीक ठाक दे गया था, आपको क्या लगता है आगे जाके रिफाइंड सोया और सीपीओ में कैसा रुझान रहेगा? देखिए अभी एडिबल ऑयल पैक की बात करें तो देखिए अगर हाजिर की हम बात करें तो कोई बहुत ज्यादा फिजिकल में रिटेल में कोई बहुत ज्यादा मंदी की उम्मीद नहीं है, लेकिन यहाँ से बाजार अब उठते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, छुटपुट बाइंग आ सकती है लेकिन लंबी तेजी फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए इन लेवल्स के ऊपर बाइंग मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करें क्योंकि खाद्य तेलों में काफी उठापटक का माहौल देखने को मिल रहा है और सरकार भी काफी पैनी नजर रखे हुए है, तो इसलिए इन कमोडिटीज के अंदर अभी फिलहाल लंबी तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है जी। रूपा जी दर्शक जुड़े हुए जिनका सवाल लगातार सोयाबीन को लेकर आ रहा है, ये सब जानना चाह रहे हैं कि सोयाबीन रोके या बेच दें? देखिए अभी सोयाबीन को थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, अभी करेक्शन आ रहा है एक बार 6000 अगर के आसपास सपोर्ट लेता है तो वापस से आपको 6500 तक ऊपर देख सकते हैं लेवल्स, तो वहां पर आप धीरे धीरे लिक्विडेट करें। देखिए ज्यादा लंबा माल को होल्ड नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, जैसे ही बाजार रिकवरी देता है थोड़ा बाउंस बैक आता है वहां पर थोड़ा थोड़ा माल निकालते भी रहे, अगर तेजी बनती है तो 6500 के ऊपर जब मार्केट क्लोज देगा तब सोयाबीन में लंबी तेजी बनती हुई दिखाई देगी, फिलहाल ये रेंज बाउंड है ही इसमें उठापटक का माहौल देखने को मिलेगा और 6500 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसीलिए वापस से हम देखते हैं कि 6500 के आसपास जाता है मार्केट और वहां से करेक्शन बनती हुई दिखाई देती है जो कि 400 से 500 पॉइंट नीचे गिर जाता है, तो इसीलिए आप अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से बनाएं कि जैसे ही बाउंस बैक आए कुछ एक माल लिक्विडेट करते जाए जी। से रूपा जी दर्शक हैं रामचंद्र लोधा जी जिनका सवाल लहसुन को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं लहसुन में आगे क्या होगा? रूपा जी देख रहे हैं कि लहसुन में काफी ज्यादा गिरावट बन चुकी है, आवक के बंपर देखने को मिल रही है मंडियों के अंदर, मध्य प्रदेश की मंडियों की बात करें तो नीमच मंदसौर काफी ज्यादा बंपर आवक के देखने को मिल रही है और वो काफी बड़ी मंडियां मानी जाती हैं लहसुन में पूरे देश में, ऐसे में आपको क्या लगता है लहसुन में आगे कैसा रुझान रहेगा? देखिए लहसुन में अभी फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जो एक विंटर सीजन के डिमांड के चलते हर साल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाजारों में एक अपसेट मोमेंटम बन सकता है और ऐसी उम्मीद भी थी कि विंटर सीजन के डिमांड के चलते लहसुन में हो सकता है तेजी देखने को मिले, लेकिन जिस बार जिस तरीके से पिछली बार लहसुन में प्राइसेस देखने को मिले थे इस बार बाजार जो है वो गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब सर्दियों के मांग जो है वो कहीं ना कहीं कम होती दिखाई दी है लहसुन की और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल बाजारों में छुटपुट खरीदारी आ सकती है, लंबी तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही जी। रूपा जी आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, आपकी तरफ से आज इंट्राडे में एग्री कमोडिटीज के टॉपिक्स क्या रहेंगे जिनमें आज अच्छा मुनाफे में रहा जा सकता है? देखिए एग्री कमोडिटीज के अंदर अगर इंटरडे की बात करें तो मुझे लगता है कि आज बिनोला खल अपना टारगेट अचीव कर सकता है, 3000 तक बिनोला खल में तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है ऐसा एक्सपेक्टेड है, वहीं बिनोला खल के साथ साथ मुझे लगता है कि अभी ग्वार जो ऊपरी स्तरों पर एक मिश्रण दिखाती हुई दिखाई दे रही है इसमें गिरावट बढ़ सकती है, इसमें ग्वार के अंदर आज बिकवाली हावी होते हुए हम देख सकते हैं, वहीं खरीदारी के लिए आज बिनोला खल अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मांगेराम सी पर। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।